So we are back with our videos of class 12, and we are continuing with our chapter 3, which is matrices. And in the last video we talked about how to determine the inverse of a matrix, and I hope you remember all ki maine do aapko methods bataye the jo aapke course mein hai jiske through hum matrix ka inverse determine kar sakte hain. The first one was the by the use of arithmetic operations, right? And the second one was the by the use of determinant method, jo hum chapter 4 mein padhenge, right? So मैं वापस आऊंगा अपने उस कॉन्सेप्ट पे कि किस तरीके से हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, इफ इट एग्जिस्ट ऑफ कोर्स. सो वी विल सी व्हाट इज दैट कंडीशन जिसके थ्रू हमें ये पता लगेगा कि अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू आई ए. हम साइमल्टेनियस ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन लगा सकते हैं या कॉलम ऑपरेशन. So this is important कि अगर आप row operation लगाना शुरू कर रहे हैं, so you will apply row operations only. You cannot apply column operations afterwards, okay? But if you started with the column operations, so you cannot again apply the row operations in between. So आप क्या करेंगे, आपने suppose row operation शुरू करा लगाना, and what will be the target कि मैं इस matrix को I में convert करूँगा, so that this I becomes automatically A inverse. यही समझा था हमने last video में. So in this video I'll be discussing one or two questions. How to find the inverse of a matrix using elementary operations, right? So let's say, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि in case अगर आपने decide कर लिया है कि आप row operations use कर रहे हैं, तो आप row के case में लिखेंगे a is equals to i a. This should be the expression जिसमें आप of course a को convert करेंगे किसमें, i में, and i will be converted in a inverse. यही समझा था हमने. लेकिन अगर आप कॉलम ऑपरेशंस लगाना शुरू कर रहे हैं, तो कॉलम ऑपरेशंस में आप लिखेंगे a इज इक्वल्स टू ए आई. थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा लिखने के सेंस में, डिफरेंस है खाली, ठीक है? और अगेन काम वही रहेगा कि मैं इस a को i में कन्वर्ट करूंगा और इस i को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, ऑटोमेटिकली a इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा. खाली लिखने के सेंस में फर्क है, ओके? सो लेट्स डू वन क्वेश्चन, तब ज्यादा क्लैरिटी होगी कि कैसे करना है, ओके? So let's take the first question of your exercise 3.4. So we have this matrix. We have A matrix as 1, minus 1, 2 and 3. Right? This is the question. Right? So now let us try to find the inverse of this matrix. So I will write it in the form of A is equals to IA. ऐसे ही लिखेंगे. Row operation पे लगाना शुरू करने वाला हूँ. So this will be 1, 2, minus 1, 3 is equals to 1001, और इस a को हम चेंज नहीं करेंगे, ये a ही रहेगा. सो नाउ आई विल अप्लाई साइमल्टेनियस ऑपरेशंस ऑन बोथ द मैट्रिसेस, सो दैट दिस माइट बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो कैसे करेंगे, अब मेरे को इसको 1001 बनाना है, तो मैं टारगेट के हिसाब से करूंगा कि चलो ये तो 1 है ऑलरेडी, मुझे इसको 0 बनाना है, तो मैं इसको 0 कैसे बना सकता हूं. 1 by 1 यू विल टेक एवरी एलिमेंट, और टारगेट के हिसाब से करेंगे तो आपका काम आसान होगा. सो 1 0 बनाना है, तो मैं देखिए R2 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं कि R2 is R2 minus twice of R1. Please pay attention. R2 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, क्या R2 minus twice of R1, क्योंकि 2 minus 1 into 2 करूंगा तभी 0 हो जाएगा ये, राइट? तो देखिए R2 में किस तरह से चेंजेस आ जाएंगे. दिस विल रिमेन 1 minus 1, दिस विल बिकम 0, और 3 minus 2 into minus 1 will be 3 plus 2, which is 5. Correct? So, इधर भी वही changes आ जाएंगे. So, 1, 0, this will remain same. This will become 0 minus 2 into 1 is minus 2. And 1 minus 2 into 0 is 0 only. Correct? अब क्या कर सकते हैं, इसको मेरे को 0 बनाना है ना? देखिए आप इस तरह की operation apply कर सकते हैं, because this is a bigger number. एक बड़ा नंबर है, अगर हमारे नंबर्स 1, 2 के आसपास रहेंगे, -1 के आसपास रहेंगे, तो काम आसान रहेगा, क्योंकि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, राइट? तो मैं क्या करता हूं, R2 में दोबारा एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, विच इज 1/5 ऑफ R2. आई होप यू रिमेंबर दिस ऑपरेशन, मैंने बताया था सेकंड पर ऑपरेशन है ये. तो देखिए R2 में मैंने अप्लाई करा 1/5 ऑफ R2, सो दैट दिस बिकम्स 1, और इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है. तो देखिए किस तरह से हो जाएगा ये मैट्रिक्स, दिस विल बिकम 1 minus 1 0 1, और उधर क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 0 minus 2/5 एंड 0 ओनली, एंड 0 ओनली, करेक्ट? बिकॉज ऑलरेडी
हमने अच्छा जैसे देखिए क्योंकि यहां पे हमने 1 माइनस 2 इंटू 0 किया था, 1 माइनस 2 इंटू 0 किया था, तो ये 1 ही रहना चाहिए, 0 नहीं होगा, ये 1 ही रहना चाहिए। सो भाई मैं देखता हूं दो जीरो कैसे आ रहे हैं, सो दिस शुड बी 1 ऑल्सो, नाउ इट इज ओके फाइन, सो दिस मस्ट बी नाउ 0 ताकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो इसको 0 बनाने के लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, आर वन का ऑपरेशन अप्लाई कर दूंगा, विच इज आर वन प्लस आर टू। तो देखिए क्या होगा, दिस विल बिकम 1 प्लस 0 विच इज 1 ओनली, माइनस 1 प्लस 1, तो इसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दिस इज 0 1, ये बन गया मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहां पर अब जो भी मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी माई इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, ओके। सो 1 प्लस माइनस 2 बाय 5 इज 3 बाय 5, करेक्ट, दिस इज ओनली माइनस 2 बाय 5, so this is 0 plus 1 is 1 and this is 1 into a, so I hope we are all correct in every step, so of course क्योंकि ये I बन चुका है, so this is my a inverse and that is the answer, so please check each and every step। देखिए ये इस तरीके का एक method है जिसमें माइनस प्लस के गलती होने के चांसेस बहुत हो सकते हैं, आपने अपनी लाइफ देखा कि एक वन लिखने में मेरे से भी मिस्टेक हुई है, सो दिस इज पॉसिबल कि आप लोग करेंगे तो माइनस प्लस की बहुत माइनर मिस्टेक्स होती चली जाएंगी और लास्ट में जाके आपका आंसर गलत आ सकता है, ओके। सो दिस इज वन एग्जांपल कि किस तरीके से आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल से और बताऊंगा कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है, लेट्स सी, ओके जस्ट अ सेकंड, आई थिंक एक चीज और मेरे को लग रही है यहां पे, बिकॉज क्योंकि मैंने 1 यहां पर रिप्लेस करा था, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि मैंने यहां पर जब मैंने 1 चेंज करा तो ये 1 बाय 5 वाला जो ऑपरेशन था वो यहां भी इनकर करेगा, देखिए क्योंकि पहले 0 था, बिकॉज 0 बाय 5 मैंने 0 ही लेकर चला था, बट जब मैंने यहां 1 कर दिया इसको, ओके, तो दिस मस्ट बी व्हाट, इस ऑपरेशन के बाद दिस मस्ट बी व्हाट 1 बाय 5 ओनली, करेक्ट, क्योंकि 1 बाय 5 करा ना मैंने 1 का, तो दिस मस्ट चेंज ऑल्सो 1 बाय 5 ओनली। सो अब जब मैं ऐड करूंगा तो ये दोनों ही मेरे क्या हो जाएंगे, 1 by 5 and 1 by 5. I know this is a bit confusing method, but please pay attention कि आपको methodology पहले समझ में आनी चाहिए कि हम किस तरीके से इस वाले matrix को I बनाने में लग रहे हैं, तो automatically हमारा RHS में ये वाला जो matrix है, this will become what? A inverse, तो this is my answer, this is the perfect answer, okay? So let's take another example, जिसमें मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा, so suppose I have a matrix say 6 minus 2 minus 3 मैं लेते हैं, चलिए 6 minus 2 minus 3 and 1, okay, so the question is saying कि I have to determine the inverse of a matrix, मैं क्या करता हूँ, A is equals to IA की form में इसको लिखता हूँ, so this is 6 minus 2 minus 3 1 1 0 0 1 into A, correct, तो क्या कर सकते हैं, देखिए इसको मेरे को सपोज 1 बनाने या 0 बनाने जैसा दिया है, तो आप देखिए ना R1 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, गौर कीजिएगा R1 में एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं कि R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2, गौर कीजिएगा मैंने क्या ऑपरेशन अप्लाई करा है, R1 में ऑपरेशन अप्लाई करा है R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2, तो आप ध्यान से देखेंगे तो दिस विल बिकम 6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 which is 6 minus 6 only, which will become 0, correct, minus 3 plus 3 into 1, which is also minus 3 plus 3, which is also 0, and this is minus 2, 1, इधर मेरे कुछ changes हो जाएंगे, वो भी देख लेते चलिए, so 1 plus 3 times of 0 is 1 only, 0 plus 3 times of 1 is 3, 0 and 1 into A, but अब मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि इधर क्या बन रहा है, क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप गौर करेंगे कि जैसे ही मैंने एक ऑपरेशन अप्लाई करा तो LHS में एक ऐसा रो आ चुका है जिसके कि सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए हैं, सारे एलिमेंट्स उस रो के क्या हो गए, जीरो हो गए हैं, सो इन केस अगर रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते करते ऐसा कोई स्टेप आता है जिसमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाते हैं, सो इन दैट केस उस मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो जैसे कि यहां पे R1 के सारे एलिमेंट जीरो हो चुके हैं, सो आई विल राइट कि सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ R1 इज जीरो,
Therefore, A inverse does not exist. Correct? So, method वही है, करना वैसे ही है आपको, कि row operation apply करते चलना है, and simultaneously आपको ध्यान रखना है, minus की, plus की mistakes कम से कम हो, ताकि आपका final step में answer जो हो, वो बिल्कुल करेक्ट आ सके, ठीक है? तो आप क्या कीजिए, मेरे next video तक, in exercise 3.4, so we have almost 14 questions or maybe 13 questions of 2x2 order matrices, जिसमें आपको inverse find करना है. There might be one or two examples also, वो भी आप try कर सकते हैं साथ में. So almost I have given you 13 to 14 questions for tomorrow, ताकि हम next video में we will be discussing the 3x3 matrix की उसका inverse कैसे निकालेंगे. निकालना same तरीके से होगा, लेकिन एक question मैं आपको video में करके बताऊंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा confidence आए और आप घर पे 3x3 matrix के भी inverse निकाल सके. Okay? So next class का आपका काम यही रहेगा, exercise 3.4 के 2x2 matrices के inverse find कीजिए. ट्राई कीजिए, मुझे पता है डाउट्स आएंगे स्टार्टिंग में, कंफ्यूजन होगी, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पॉलिशिंग होगा, तभी आपसे वाले क्वेश्चंस हो पाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू पीपल आर कीपिंग सेफ एट होम ओनली. ध्यान रखिए अपना और प्रैक्टिस कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड टेक केयर. ओके, थैंक यू.